Hello Standard 4th, welcome in maths lecture. Today we are going to start our chapter number 12, How Heavy, How Light. Means in this chapter we are going to measure weights, right? Jaiju and Mannu were shifting house. They loaded all their things on a horse cart. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almira, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots, pans. मतलब जो दो बच्चे हैं जायजू और मन्नू वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसने एक घोड़ा गाड़ी में अपना सारा सामान लाद दिया है। उसमें क्या है तो कि एक पानी की टांकी है, 5 गेहूं की बोरियां हैं, 3 टेबल है, एक अलमारी है, 4 कुर्सियां हैं, 2 चटाइयां हैं मैट्रेसेस, 3 चावल की बोरियां हैं, 1 बाम्बू की सीढ़ी है, बर्तन है, पॉट्स है, ये सारी चीजें हैं। When they were ready to move, the horse refused to start. They wondered why. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? They asked. तो जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो उसका जो घोड़ा है वो चलने को राजी ही नहीं हुआ। तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा है। तब उसके पापा ने बताया कि भाई ये जो घोड़ा है वो ठीक नहीं था और अभी वो इसको इतने सारे वजन को खींच नहीं सकता है, वो थोड़ा वीक है और वो 700 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएगा, खींच पाएगा। तो ये बच्चे को पता नहीं है कि तो हमारा वजन कितना है हमारे सामान का, तो वो अपने फादर को पूछते हैं तो भाई हमने ये जो सामान घोड़े पर डाला है उसका वेट कितना है, वो कैसे पता चलेगा। देखो कितना सारा उसने सामान इस हॉर्स कार्ट में डाल दिया है ना। सो फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। तो उसके पापा ने उसको आइडिया दिया कि कैसे उसका वजन हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर सारी चीज़ें दी है और हर एक चीज़ एक एक का यहाँ पर वजन दिया है, एक एक थिंग्स का। तो यहाँ उसकी तो कुछ 3 है, कुछ 4 है, कुछ 2 है, तो उसके हिसाब से हमें उसका टोटल वेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका टोटल वेट निकालो कि भाई सारे का कितना होता है। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। तो उन्होंने फिर जो हम अभी सम्स करेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि इतना वेट है तो चलो उसमें से हम कुछ निकाल लेते हैं। तो विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 किलोग्राम। तो उन्हें कौन सी चीज़ें उसमें से निकालनी पड़ेगी जिससे कि उसका जो वजन है वो 700 किलोग्राम से बढ़े नहीं। तो पहले हम यहाँ पर सम करते हैं तो देते हैं कि सेक ऑफ वीट, उस एक सेक का वजन है 100 केजी, राइट। तो हमारे पास वीट की कितनी बोरियाँ हैं यहाँ पर देखो, सेक ऑफ वीट 5 है, 5। तो हमारे पास हम टोटल वेट कर रहे हैं यहाँ पर, टोटल वेट तो सबसे पहले है वीट की सेक्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वो है हमारे 5 और उस एक का वजन है 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 500, ठीक है। फिर थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सम्स आएगा तो शायद आपको देखने में परेशानी होगी। 500 किलोग्राम ये वीट है। फिर दूसरा है राइस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइस और उसका एक का वेट है 35 केजी। तो हमारे पास राइस कितनी है, सेक्स ऑफ राइस आर 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 35 उसका वेट है एक का और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 जार 15, 3 3 जार 9 प्लस 1
10 तो 105 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर टैंक, वाटर टैंक, तो वाटर टैंक उसमें एक ही है मुझे याद है, तो वाटर टैंक का वजन है 50 किलोग्राम, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 50 केजी डाल देंगे। उसके बाद वाटर टैंक के बाद आता है अलमीरा, अलमीरा भी एक है जिसका वजन है 70, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 और यहाँ लिखेंगे अलमीरा। नेक्स्ट है टेबल, टेबल का 10 केजी है एक का, तो हम यहाँ पर करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय, शायद 3 टेबल थे लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि एक टेबल का है 10 केजी, तो यहाँ लिखा है टेबल और 3 टेबल्स है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 30 केजी। टेबल के बाद है चेयर, चेयर का 5 केजी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी चेयर होगी, चेयर फोर चेयर्स है, तो हम यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 5 4 20। चेयर के बाद आता है मैट्रेसिस, और मैट्रेसिस का वेट है 20 केजी, तो मैट्रेसिस कितनी है, है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 40। नाउ मैट्रेसिस के बाद है बाम्बू लेडर, तो बाम्बू लेडर तो एक ही है, बाम्बू लेडर है उसका वजन है 10 केजी, और पॉट्स और पैंस का 10 केजी है, जितने भी पॉट्स और पैंस है उसका, पॉट्स एंड पैंस। तो अभी ये हो गया हमारा टोटल हिसाब किताब, और हम उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ से 50005, फिर 005 प्लस 7 7 8 9 10 प्लस 5 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 3 को यहाँ पर किया 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 5 6 7 और 8, तो 835 हमारा वेट हो गया, जबकि हॉर्स है वो 700 उठा सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल लोड है वो है 835, और आपको कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव करनी है, तो 835 माइनस 700 मतलब आपको 135 केजी वेट है वो यहाँ से निकालना है, कितना निकालना है 135, ठीक है। तो यहाँ देखो 105 इसका वेट है और 30 इसका, तो आप राइस की सेक्स और टेबल वो निकाल दोगे तो आपका वेट 135 कम हो जाएगा, तो राइस सेक्स है आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइस सेक्स एंड 30 वेट है वो है टेबल्स का, टेबल्स, तो इसको आप रिमूव करोगे तो आपका वेट है वो 700 हो
हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग्स विच वेयर लोडेड ऑन द कार्ट वेयर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। देखो ऐसे बड़े बैलेंस भी आते हैं, तो इसमें कार्ट में जो चीज़ें लोड की है वो बहुत बड़ी है और भारी भी है, तो उसके लिए ऐसा बड़ा बैलेंस चाहिए। जो सब्जी वाले के पास होता है इतना छोटा नहीं चलेगा। बट जायजू एंड मनु वॉन्टेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, टू लीड्स एंड अ थिक थ्रेड। दे मेड दिस बैलेंस। तो इन्होंने एक अपना बैलेंस भी बनाया कि जिसमें उसने एक लकड़ी ली, कुछ धागे लिए और कुछ दो ढक्कन लिए और इससे ये बैलेंस बना लिया है। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स। तो आपको भी अपना यहाँ पर एक ऐसा बैलेंस बनाना है और उसको आपने किन किन चीज़ों से बनाया वो आप लिखोगे और उसका पिक्चर भी ड्रॉ करोगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है, यू हैव टू जस्ट डू दैट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस लेक्चर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।